सिवनी के केवलारी विकास खंड के उगली थाना क्षेत्र के गांव बेल गांव में मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भटक कर पानी पीने आए दो सांपों को घेर लिया है, जिसकी सूचना वन अमले को दी गई है। वहीं उगली से पुलिस बल बेलगांव के लिए रवाना हुई। काफी मशक्कत के बाद दोनों सांपों को पकड़ लिया गया है। उगली थाना प्रभारी SS भारद्वाज ने बताया कि बेलगांव के पास स्थित तालाब में मंगलवार दोनों सांप पानी पीने पहुंचे थे। तालाब के पास ही तेंदुपत्ता के फड़ में मौजूद ग्रामीणों ने दोनों सांप को देखकर अन्य ग्रामीणों को बुला लिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण हाथों में डंडा लेकर मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ ने बाघ व सांप को घेर लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों सांप झाड़ियों में छिपे हैं। उगली क्षेत्र में बाघ व तेंदुआ के आतंक से ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। पूर्व में भी बाघ व तेंदुए के हमले से ग्रामीण जान गंवा चुके हैं। करीब एक पखवाड़ा पहले भी उगली क्षेत्र के आसपास बाघ को देखा गया था। ग्रामीणों ने बाघ को पकड़ने की गुहार जिम्मेदार अधिकारियों से लगाई थी। मंगलवार की जब फिर सांप तालाब के पास दिखा तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। साथ ही अधिकारी जांच में जुटे हैं, वहीं उन्हें पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं सुदेश महिवाल DFO साउथ, रजनीश कुमार सिंह डिप्टी डायरेक्टर रेंजर, दिनेश रामटेके रेंजर, योगेश पटेल रेंजर, संतोष बनवाले रेंजर, HL दाहिया, जुनैद हुसैन डिप्टी रेंजर आर्मो, वन रक्षक सहित रेस्क्यू टीम ने बड़ी जहोजहद के बाद दोनों सांपों को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली और उन्हें कान्हा नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।